इन्हें काढ़ा था 23-24 किलो दूध। 23 सर 24 मध्ये घणा अंतर हो गया भाई साहब, 23 या 24 भाई होय अंदाजा। हां 23 मान लिया। हां 23 किलो, 23 किलो दूसरे बैत में मान लिया कि जेनुइन काट रखा होगा वो। हां जेनुइन 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 है, जेनुइन बिल्कुल। दूसरे बैत में 23 किलो काट रही है, तीसरे में कितना दिया भाई इसने? पशुओं का जिक्र, पशुओं की फिक्र, पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर अजय विंद्रोली की तरफ से सारे भाइयों ने राम राम भाई। और आज भाई पहली बार वीडियो बनाओगे, रविंदर भाई काफी पुराने पशुपालक हैं और बढ़िया बढ़िया पशु रखते आ रहे हैं भाई, और आज भी बढ़िया पशु होंगे और भाई अच्छे दूध का पशु जायज कीमत में होगा। तो सबसे पहले स्वागत है भाई रविंदर भाई का पशुपालन विकास मंच यूट्यूब चैनल पर। रविंदर भाई राम राम। राम राम भाई, एक बार दर्शक और कर दो राम राम। राम राम भाई, शायद दर्शक है। रविंदर अपना गाँव है जारी। हाँ जी भाई, सोनीपत का बिल्कुल टच होना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होगा मेरे ख्याल में, टच हो रहा है। अच्छा जी, तो भाई पशु तो आपके घर पर काफी हैं भाई, कितना पुराना काम है अपना पशुपालन का? भाई 2003 में करने लगे थे हम दूध दाते। 20 साल हो गए। हाँ, पूरे 20 साल हो गए ना। 20 साल हो गए। तो आज कितने पशु हैं अपने घर पर भाई? आज अपने घर पर मान लो 6 भैंस हैं। अच्छा जी, और 4 गाय हैं। 4 गाय हैं, 6 भैंस हैं भाई। तो सेल के लिए कितने पशु हैं? सेल के लिए मैंने तो एक है। अच्छा, एक का सेल के लिए। तो भाई रविंदर भाई के पास पशु तो काफी हैं, और भाई जो सेल के लिए पहले उसके बारे में बातचीत कर ले हैं। रविंदर, यह है जो सामने भैंस है भाई, एक बार इसकी डिटेल बताओ। डिटेल चौथे ब्यात में है या? अच्छा जी, और आज 21-22 दिन की ब्याई हुई है। चौथे ब्यात में 21-22 दिन की ब्याई हो ली आज। हाँ, ब्यात जेनुइन है भाई साहब? हाँ जेनुइन जेनुइन ब्यात है इसका। काफ क्या है इसके नीचे भाई? इसके नीचे फीमेल काफ है। फीमेल काफ है, कटड़ी है। कटड़ी है। कौन से बुल की है? कोई बुल बल का नहीं, अपने टीका लगा रखे हैं। टीका लगा रखा है जी। तो अपने घर पर या कौन से ब्यात है भाई? यह है दूसरे ब्यात, अपने घर पर। दूसरे ब्यात में कितना दूध काटा भाई इसने? इन्हें काटा था 23-24 किलो दूध। 23 और 24 में घना अंतर हो गया भाई साहब, 23 या 24? भाई यो ही अंदाजा। 23 मान लिया। हाँ 23 किलो, 23 किलो दूसरे ब्यात में मान लगे जेनुइन काट रखा होगा वो। जेनुइन 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 है, जेनुइन बिल्कुल। दूसरे ब्यात में 23 किलो काट रही है, तीसरे में कितना दिया भाई इसने? तीसरे में बेच दी थी हमने, मारा दूर था 20 किलो। अच्छा, 20 किलो का हमने दे दी थी। कई दिन की ब्याई दे दी थी? या थी 15 दिन की। 15 दिन की ने 20 किलो बना लिया था। हाँ, तीसरे ब्यात में। तीसरे ब्यात में तो ईब फिर इसने उल्टी लिया है यहाँ पे। हाँ, ईब 25 दिन की ब्याई होगी या? हाँ, चौथा ब्यात से इसका। हाँ चौथा। और भाई नीचे की जो पोजीशन है देख लो, एक एक आप थनों का जो गैप है, चौथे ब्यात में भी जो थन है बिल्कुल छोटा छोटा है भाई। हाँ, चवाई की कैसी है? चवाई की बहुत बढ़िया, फोकीर कती जमा बढ़िया चवाई है। अच्छा, साफ चवाई कती? साफ चवाई की है और फोकी चवाई भाई बता रहे हैं। शाम के लगभग 5 बज चुके हैं भाई। हाँ, दार किस टाइम का डर हो आप? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे यानी कि आधा घंटा और बाकी है। तो आज 25 दिन की ब्याई में कितना दूध है इसके नीचे वो बताओ रविंदर भाई। दूध 20 किलो है, लेकिन 19 किलो कोई भी भाई आगे काट सके इसका। अच्छा, 19 किलो किसे भी टाइम आगे काटो भाई। हाँ, है 20 किलो। हाँ है 20 किलो, पर न्यू है भाई, जुबान जुठी ना हो जाए। जुबान जुठी ना हो जाए। हाँ कम बताओ, 1 किलो। तो 19 किलो दूध आज भाई 25 दिन की ब्याई के नीचे है, और चौथा ब्यात भाई न्यू है, जेनुइन है इसका कती जमा। हाँ जेनुइन चौथे ब्यात में है फिलहाल, और नीचे इसके कटिया है। हाँ, तो रविंदर भाई इसने सेल करने का विचार है? हाँ सेल करेंगे। सेल करोगे तो 4 टाइम का दूध कम से कम 19 किलो में पुआ दोगे? 19 नहीं, आपने 2-3 दिन के बाद इस किला में मिल्किंग कराओगे। अच्छा, दोबारा 24-25 की जितना भी हो तो करेगी भी। अच्छा, 24 कर दो, 23 तो मर दे रखे ना। हाँ, 23 25 जितना भी करेगी लाइव कर दे बेचेंगे। अच्छा, लाइव मिल्किंग चलवाने के बाद? हाँ, सेल करोगे? हाँ सेल जब करेंगे। तो चलो यह भी बात एक पेटा भरने वाली है भाई, क्यों मान लो एक मानस आगे देखे, 2 टाइम 4 टाइम 10 मानस देखे भाई, ने तो सारे दुनिया आगे कह दिया भाई हम। हाँ, तो लाइव चला देंगे, लाइव चला गए। 4 टाइम की लाइव मिल्किंग करके इसने या 23-24 की उम्मीद है अपनी। हाँ, दो चाहे कितना ही, दो चाहे कितना ही, खूब बात अपने भाई, में है भाई मेहनत। हाँ, कर सके हैं पशु के लिए। क्यों तो भाई थना में अपने दो भाई जूरिया भी है। हाँ, ने चार भी नहीं बी होली 20 किलो कदी सरडा है। अच्छा, कोई मतलब वो नहीं, नॉर्मल चार में अपना 20 किलो का बढ़िया सरडा दे हुआ है। तो इसकी और बता दे डिटेल एक बार रविंदर भाई। यहाँ पर मूल्य गाय थे। अच्छा जी, अरे ब्यात में है या नहीं कुछ कह सकते? बाकी चौथा ही ब्यात अगला बताओ। धन्यवाद।
पांचवा मान ले। हाँ पांचवा मान लो। अच्छा पांचवा मान लो, कोई दिक्कत को आज भी 20 किलो दूध है इसमें। कई दिन की ब्याई है भाई? या 4 महीने की ब्याई होली। 4 महीने की ब्याई है। हाँ। और चौथा जो पांचवा ब्याह है इसका। हाँ। अपने पशु का दूध बढ़ाने के लिए, अच्छे पसाव के लिए और टीका छुड़ाने के लिए एलडीएम के साथ मिल्क मास जेएस की गोली जरूर दें। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन से, और यह दोनों हरेक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। पौषाने वाले टीके से दिलाए छुटकारा मिल्क मास जेएस और एलडीएम की जोड़ी। प्रेग्नेंट भी होली भाई? हाँ। कितने दिन की है भाई? पाव की दया मेरे ख्याल में 20-25 दिन की होगी। 20-25 दिन की। और 20 किलो दूध आज तैयार है इसके? हाँ तैयार है। फिर इसकी भी लाइव मिल्किंग चलवा दियो, क्या दिक्कत है? हाँ इसकी भी चलवाऊंगे। कट्ठी दोनों बांध के इसकी भी चलवा दियो। अगर इतने दूध की है, 4 महीने बाद भी इतना। अभी हाल ही की बात है भाई, अपना गाँव था वो जसबीर सुनारिया, सुनारिया गांव में भाई नवास लगवाई थी गांव वाले ने। हाँ हाँ। टोपर थी जो उसने काटा था 25 किलो और दूसरे नंबर पर 21.5 किलो में रही थी। वह 6 महीने की ब्याई थी, पहलवान की भैंस थी जो। और भाई गांव वाले ने भी भाई का 31,000 का मान सम्मान करा था। और भाई ऐसे तो अपना सोनीपत में तो घना जरूरी है, क्योंकि अपने जो पशु है ना लगभग कम होते जा रहे हैं सोनीपत में। बिल्कुल सोनीपत में बहुत कम होते जा रहे हैं पशु। ज्यादातर देखे जा भाई जींद में है, कैथल में भी है, हिसार में भी है, भिवानी में भी। हाँ, है। हाँ। लेकिन अपने सोनीपत में बहुत कम होते वो है। हैं। कमी नहीं है। एक प्रधान जी दे रखी है भाई के पास है जोटी हमने। अच्छा। 24 किलो दूध है, चौथे पांचवे ब्याह में था, भाई ताई दी थी इसके। अच्छा। भाई ताई प्रधान जी भाई ताई। अच्छा। इसके पास उसकी कटिया है। अच्छा। 2 साल ये कटिया बेवाली थी 19। अच्छा। 14 किलो दूध है उसमें, मेरे ख्याल आज भी तैयार होगा। 4 महीने के आसपास हुआ ब्याई होली। इनके घर पर एक कटिया ब्यारी है। अच्छा जी। उससे ब्याह की जो जिस तरह वो ले गया था उसमें, वो कटिया में 14-15 किलो दूध है और मैं ऐसे में भी 20 किलो दूध आज भी हुआ। तकरीबन जो पशु रहे हैं अपने कति ठोक बजा के दें लो लाइट में इतना दूध पाओगे जितना बता दिया, तो 20 किलो आज भी दे रही है। तो भाई दूध की तो मौज, दूध का क्या रेट है अपना डे? दूध होगा तो 5-55 दे दूध दिया था। दूध दिया तर शहर में देखा हुआ तो शहर में 70 हो रहा है। शहर में 70 हो रहा है भाई, क्योंकि सोनीपत नजदीक है, दूध की खपत बहुत है भाई। फिर इसने सेल नहीं करो भाई? ना इसने नहीं करा, दूध का काम है इसका तो कई बार लिए। फिर दूध तो यह भी इतना ही देव है, फिर इसने सेल क्यों करो? के कारण है दूध की तो जरूर यही तो 4 महीने की जो करो होली तो के सेल का उसका रहेगा। इसने भी अगर बढ़ गया उसमें लगेगा तो करेंगे ना। देख भाई मिल्किंग दिखाने की करोगे इसकी लाइव मिल्किंग भाई साहब? है कै दिन में इसकी? 1 तारीख के आसपास कर दें। 1 तारीख के आसपास भाई, कोई सभी भाई मेरी वीडियो देखता हो, कोई यूट्यूबर भाई जोशे भाई द्वारा टाइम हो अगर भाई कहे तो जरूर लाइव मिल्किंग चलाइए भाई की 4 की, क्योंकि मैं थोड़ा सा रविंद्र भाई माफी इसलिए चाहूँगा, इस दौरान मैं कबड्डिया में बहुत घना बिजी हूँ। कंटिन्यू मेरे 9 तारीख तक टूर्नामेंट है और ना तो मैं जरूर चलाऊँगा भाई की लाइव मिल्किंग। तो कोई सा ना कोई सा भाई जरूर भाई मैं भी निवेदन करूँ इस चीज़ का, लाइव मिल्किंग चलाइए भाई की। लगभग 23-24 की उम्मीद है अपनी। हाँ बिल्कुल लगभग है। और हाँ। इतना कड है तो अच्छी बात है भाई। एक इतना कड है देगी ना तो, और ये और वजन है पूरा। हाँ यो भी ना कड है निकल लग रही हो तो भाई यो भी ना कड है पशु तो के कडेगी। सही बात है। फिर भी इसने भी ना दिया था फिर कोई वो नहीं, फिर कोई वो नहीं अपना। हाँ। 20 साल का तजुर्बा है अभी आपका। तजुर्बा 2003 में शुरुआत करी थी ना? हाँ 2003 में। पूरे 20 साल हो गए हैं भाई। तो चलो इन्हें सेल करोगे तो ये बताओ पहले भी ले पंजाब तक भी लेके झोटे भी रखे हैं पंजाब में, वो मिल्किंग भी ले गए थे मैसा में। अच्छा। उड़े जी भी आई थी मेरे ख्याल में 9वें नंबर पर आई थी एक बात है। 9वें नंबर पे। हाँ सन का मेरा ध्यान नहीं। और झोटा भी अपना पोजीशन लेकर आता उड़े थे। अच्छा जी पंजाब में कौन सी जगह थे? पंजाब में उस मुकतसर थे। मुकतसर थे। मुकतसर थे। बहुत बढ़िया। और करनाल तक भी पोजीशन आई थी अपने कल्डे की। इब दादरी मोर है पशु मेला भाई हरियाणा गवर्नमेंट का 11-12-13 को। अगर कोई पशु अच्छा आपके पास है तो जरूर लेके पहुंचियो। दूध के मामले में तो सभी पशु अच्छे हैं क्योंकि वहाँ पर मिल्क कंपटीशन नहीं है भाई। ब्यूटी के और ये हैं मिल्क ब्यूटी के हैं। हाँ हाँ। भाई ड्राई ब्यूटी के हैं ये कंपटीशन होंगे तो वहाँ पर भी जरूर लेके पहुंचियो भाई अपने पशु ने। तो कीमत बता रविंदर भाई अगर सेल करो तो क्या कीमत होगी इसकी? कीमत अजय भाई ने दे देंगे 1.75 की। 1,75,000 की आज 19 किलो दूध तलवा। हाँ, 19 किलो तलवा ये होगा भाई। बिल्कुल आज भाई चौथे ब्यात में है 19 किलो दूध आज तैयार है। तैयार तो 20 है पर फिर भी भाई नु गए भाई जबान झूठी ना होनी चाहिए। हाँ 19 किलो दूध आज तैयार है। इसने दे देंगे 1,75,000 रुपए की।
और भाई 2-4-5 दिन में मेहनत करके इसकी लाइव मिल्किंग करवाऊंगे, अगर 23-24 टपेगी तो जरूर टपाऊंगे। हाँ फिर भी वो रेट रहेगा ना, फिर तो रेट दूसरा करेंगे। फिर तो रेट भाई बद देगा। हाँ वो तो दिखती सी बात है भाई, जब मेहनत करेगा तो रेट तो अपने आप बढ़ जाएगा, जब दूध बढ़ेगा तो रेट आप बढ़ जाएगा। हाँ। और कौन सा पशु भी है जो सेल करना भाई साहब आपने? बस और तेज है ये खर की रोटी है। अच्छा जी, इसमें भी दिखा दे एक बार जसबीर भाई, जो है पशु भाई के एक बार डेयरी फार्म पर जो भी पशु है। 4 दांत है यहाँ। अच्छा जी, पहले दांत में नीचे कटिया है, फर्स्ट टाइमर है भाई, और नीचे फीमेल काफ है। कै दिन की बेई होगी भाई? या भी मेरे ख्याल में 20-22 दिन की हुई है। 20-22 दिन की बेई होगी। हाँ। कितना दूध है इसके नीचे? 12 किलो है फिलहाल। हाँ 11 की इसकी ओट देंगे, 11 किलो किसी भी टाइम। अच्छा 11 की ओट देंगे भाई। हाँ देखिए पशु ने देखते हुए बिल्कुल रविंदर भाई ने सच्चाई बताई है। कीमत क्या होगी भाई सभी की? या देंगे 1-15 की, 1,15,000 की। हाँ 1,15,000 में सेल कर देंगे भाई, फर्स्ट टाइमर है, और जितना दूध है उतना ही बताया है। 11 किलो की ओट है भाई है। हाँ 20-22 दिन की भाई। हाँ 20-22 दिन की, नीचे कटड़ी है। हाँ ये तो न्यू मान लो उसे रेट बता दिया जिसा मोहित ने बताया था। जसवीर भाई संदल गांव में वीडियो बनाई थी रविंदर भाई, वो भाई ने भी जायज रेट मांगा था। हाँ ना मोहित ने जाना बढ़िया। हाँ भाई। और भाई इसका भी भाई आपने बिल्कुल जायज रेट मांगा, रेट तो इसका भी जायज मांगा है। हिम्मत करना उसकी हिम्मत पड़ती रेट गणा पाऊगा। रेट वीडियो में इससे हमारे पूछने लग गए भाई हम। हाँ क्योंकि रेट पूछेंगे तो लोगों ने कितने ना कितने एक अंदाजा आ जाए है भाई इतने रेट का पशु है। हाँ बिल्कुल, तो बिरा जो करे ये भाई ये कह दी उसके 2.5 लाख रुपये। इब किसी भाई की लेने की इच्छा हो तो भी लेने ना पाओ, ना उठ के चला करता है ना बढ़ाई का फोन भी ना करे। हाँ वो तो पहला बैलेंस लग गया रहता है, तो फ्री हो रहे हैं। हाँ। एक महीना रिचार्ज करवाओ कितने फोन करो कितने, पर फिर भी मानस फोन को ना करे रहने दे, वो आदमी है झूठा है। हाँ गलत है बिल्कुल। और जो रेट जायज मांगेगा वो तो हूँ भी नहीं सोचेगा भाई, देख ठीक रेट मांगे एक वो भाई तो राम रमी तो करे ले बिल्कुल, तो यह चीज फ्री में मिल जाया करे। हाँ अच्छा ही, जो अच्छा रेट मांगोगे अच्छा काम करोगे तो फ्री में मिलेगा। तो भाई इसकी तो कीमत से 1,75,000 19 किलो आज आगे बाल्टी धर लो वैसे कट्टे। हाँ और यह है भाई फर्स्ट टाइम मरे, इसकी कीमत है 1,15,000 रुपये। 15। अच्छा एक 1,15,000 रुपये है भाई, 11 किलो की ओट दे दिया भाई, फर्स्ट टाइमर है, नीचे फीमेल का फिर। हाँ ठीक है भाई जी, तो एक चीज और बता दूं भाई, आपने अपना सोनीपत का सबसे पहले जो मशहूर था एक प्यारे लाल का पेड़ा बहुत मशहूर था, और आजकल भाई कृष्ण लाल पेड़े वाले भी अपने अंकल जी साथ में हैं भाई, इनका भी पेड़ा काफ़ी मशहूर है। एक बार दो बातें इनसे भी जरूर पूछेंगे क्योंकि दूध का ही पेड़ा बना है, यह चीज़ भी बता दूँ। तो दूध का के कुछ रेट है, के कुछ खपत है इस एरिए में इनकी शॉप पर, वो चीज़ जरूर पूछेंगे। राम राम जी अंकल जी। राम राम भाई साहब। कौन सा गाँव जी अपना? अपना गांव संदल खुर्द है भाई। संदल खुर्द है, और जो अपना कृष्ण लाल पेड़े के नाम से कृष्ण पेड़े वाला, कृष्ण पेड़े वाला जो पुलिस लाइन के पास है। हाँ जी हाँ जी, वो अपनी दुकान है। अच्छा खाके तो मैं भी आया था एक बजे, पेड़ा बहुत स्वादिष्ट है। ठीक बराबर मेरे खेलवा जूस की दुकान है, जूस की दुकान है। उड़े होगा ना? हाँ जी हाँ जी। तो भाई सोनीपत में अगर आप आओ हो तो भाई सोनीपत के पेड़े बहुत मशहूर है और बढ़िया। तो एक चीज बताओ जी, अगर मान लो हमने 1 किलो पेड़े 1 किलो अपने निकालना है मावा, तो कितना का दूध लग गया, कितनी दूध की खपत है भाई? 1 किलो में मावे में 4 किलो दूध तो बढ़िया चाहिए, 1.25 किलो बढ़िया। हाँ 1.25 किलो निकल आओगा, 1.25 किलो निकल आओ, फिर उसमें बूरा बारा मिला दे। हाँ बूरा मिला दे सार। आओ सोनीपत में तो जरूर भाई विजिट करियो अंकल जी की दुकान पे भी। राम राम जी अंकल। राम राम भाई। राम राम दर्शकों और कर दो। राम राम भाई सब। राम राम। तो एक चीज बताओ, देखो आपने भी बढ़िया अपना सिर पर बांध रखे भाई साहब, ये खंडवेर धोती की ऊपर खुती जान लाग रही है, आप तो बंधन लाग जाओ, ये बालक और सीख लेंगे दोनों भाई। हो गया बालक तो मान नहीं रहे, हमने भी नाटक मत बंद हो। अच्छा जी, जी। करे जा हमारा भाई धोती बांधनी चाहिए। हाँ जी। फिर हमारे बालक इस बात से नाराज है, जो सारे एक फैशन रह गया ना रही। हाँ जी। अगर वो पेंट में रहे हैं भाई, ये बालक नाराज रहे हैं, धोती बांधेगा तू तो यह चीज बननी चाहिए। हम कह के जाएंगे रविंदर भाई ने। हाँ। देखो यह चीज तो वो कहा करन, जब तो ये खंडवेर धोती वाले बैठे हैं। हाँ। संस्कृति की दो बात इन तो सीख लो। हाँ। बच्ची रह जाएंगी। हाँ।
तो ये चीज तो जरूर देखो आप इस पहनावे ना बनाओगे तो कौन अपना। बहुत बढ़िया बात। कई बार हम देखे 55 साल के लोग जींस पे ही हंड है। हां जींस पे ज्यादा वीडियो वीडियो देखे रहो कभी मस्सा की। हां मैसे ही खूब खूब देखो जी मारी देखी पे लग दे भाई देख न्यू ना कोई अनपढ़ मानो सुनना का कोई ना वीडियो रोज देखम भाई सारी इससे की। हां देखिए भाई ये अपना सादा अपना रहने जो सच्चाई होगी ना हुआ तो बोले बिना रमाई कोनी। हां तो इसका छोरे का सेल परचेज का काम है के जी? हाँ जी बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आपने भी लिया है कदा पशु? हमने जी दो लिए 11 में 16 में। अच्छा। बहुत बढ़िया मैच निकली दोनों बढ़िया। तो मैं तो नहीं हूँ सब भाई आने के लियो और देखो बहुत बढ़िया तुम जाओगे तीन चार टाइम का दूध भी देखना। हाँ कहेगा देखो तो देखो उस चीज का कोई दिक्कत? हाँ कोई दिक्कत है झूठ भी नहीं पाऊंगी। झूठ नहीं पाऊंगी? नहीं पाऊंगी। देखिए भाई बहुत बड़ा आदमी कहने लग रहा है भाई हमने खुद तो भाई देखिए दोनों पशुओं की कीमत बता दी है भाई ने। जो भी भाई खरीदना चाहता हो भाई के फोन पे भाई के नंबर पर फोन कर लियो। के फोन नंबर भाई जी अपना 8972 45089 8989 यो फोन नंबर है भाई का। व्हाट्सएप भी चल रहा है इस पे? हाँ व्हाट्सएप भी सब चल व्हाट्सएप भी सब चल रहा है भाई। और जारी गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में भाई। कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। लाइव मिल्किंग जरूर चलवाते होगे? हाँ जरूर बिल्कुल लाइव मिल्किंग जरूर चलाई जाएगी भाई। 28-24 पर जरूर जाएगी भाई। भाई ने कह दी भाई देखिए यो साइज में भी ना कट गई फिर दूध आओगा कड़ी था बतेरा दूध से इसके नीचे। तो कमेंट में अपनी राय दे दियो। राम राम सारे भाई ने। राम 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 जी सारे हो गया बुखार मारा भाई। हाँ।